टू न्यूज आज उस मंच पे अपने उन कार्यकर्ताओं से बात कर रहा है जिन कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पूरा गाजीपुर ही नहीं इन नौजवानों की भविष्य का होने के कारण ये उबाल पे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, पीछे दिखाएं वो किस तरह से ये बने हुए हैं। ये तमाम ये कुर्सियाँ भरी हुई थी, ये तमाम ब्लॉक में लोग तिल मारने की जगह नहीं थी। आज इसी स्थान पे माननीय अखिलेश जी आए थे और संबोधन किया। ठीक एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री भी आए थे, लेकिन जनता से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। यहाँ सुरक्षा कर्मी कम, जनता अधिक उबाल मार रही थी। मैं यहाँ एक जिला परिषद के सदस्य से जानना चाहता हूँ कि आज नौजवानों में इतनी उबाल क्यों है। आप पहले अपना परिचय बताइए। हम गुड्डू यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आज इतनी भीड़ और इतने क्या लोगों में जोश क्यों है इतना? आज जो लोगों नौजवानों में जोश आपने देखा है जी, ये बेरोजगारी का जोश था। हाँ। जो नौजवान अग्निवीर की भर्ती पे तपस्या करके अपनी रियाज पानी मार रहा है, ये उसका भीड़ थी। नौजवान को जो अच्छी शिक्षा और तालीम नहीं मिल पा रही थी वो उसकी भीड़ थी। और जो किसान मजदूर को उसका माने हक और मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये उसकी भीड़ थी। इन नौजवान में जो आज भीड़ है, इसे कम संख्या में अधिक संख्या में आज मैंने देखा मोहम्मदाबाद में करीब काफ़ी संख्या में पुलिस बल जा रही थी। और उसी तरह से गाजीपुर में भी जब प्रधानमंत्री आए थे तो हज़ारों की संख्या में पुलिस बल नज़र आ रहे थे, चप्पे चप्पे पर नज़र आ रहे थे, आदमी भी नज़र आ रहे थे। लेकिन आदमी जितनी संख्या आज देखी गई है, इस भीड़ को देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? आज आप मीडिया के हैं, आप इस भारत के चौथे स्तंभ हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ जो भीड़ थी, यहाँ जो लोग आए थे, ये अपने खुद संसाधन करके अखिलेश यादव और अफजल अंसारी के प्रेम में, उनके समर्थन में लोग अपनी व्यवस्था से आए थे। और हमारे देश के माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय जी आए थे, उस दिन देश का कोई ऐसा सरकारी तंत्र नहीं था जो उनकी भीड़ को सफल बनाने में न लगा हो, चाहे वह गांव की आंगनबाड़ी रही हो, चाहे गांव की आशा कार्यकर्ता हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे गांव का कोटेदार हो, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे थाने का दरोगा हो, चाहे ब्लॉक का सेक्रेटरी हो, चाहे BDO हो, चाहे लेखपाल हो, सारी सरकारी तंत्र को लगाकर गांव में, मैं तो आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पैसा देकर उस भीड़ को इकट्ठा की गई थी। आप उस भीड़ के उत्साह से और इस भीड़ के उत्साह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल भीड़ कौन थी और जनता किसके साथ है। इस बार पूरे देश में परिवर्तन की बयार बह रही है, या चुनाव नहीं चुनौती है, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। और जनता ने मन बना लिया है कि हमको इस झूठी और जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमको अखिलेश यादव की और गठबंधन की सरकार चाहिए जो महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देने का काम करे और नौजवान को नौकरी देने का काम करे, किसान को उसकी आय का दुगनी कीमत देने का काम करे और गरीब के चेहरे पे मुस्कान देखने का काम करे। यह चुनाव उसका है और चुनाव लोकतंत्र और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है। इस भीड़ और इस उत्साह से आपने देखा होगा, इस गाजीपुर की आवाम जितना अफजल अंसारी से और अखिलेश यादव से प्रेम करती है, आज यह धूप उसके आगे फीकी पड़ गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के लिए कहा था, क्या नौकरी नहीं मिली थी? आप, मैं बता दूं, हमारे आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री की सारी बात उनके दल के लोग कहते हैं, यह तो चुनावी जुमला है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने के नाम पे जो इसने रोज नौजवानों को ठगा, आज वही नौजवानों का जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा था। प्रत्येक गरीब को ठगा गया। यदि मोदी की सरकार बनेगी तो आपके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, जिससे गरीब ने सोचा कि चलिए इस गरीबी में मेरा भला हो जाएगा। लेकिन आज वही गरीब मोदी को जवाब देने जा रहा है कि ये मोदी, तुमने हमसे कोरोना के नाम पे घर में थाली बजवाया, ताली बजवाया, घंटा बजवाया, और कोरोना में जो जहरीली वैक्सीन हम लोगों को लगाए हो, हम आज उसके जवाब में
इस पूर्वांचल के अंतिम चरण के चुनाव में साइकिल निशान पर वोट देकर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।